दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30x38 हाउस प्लान की। जैसा कि आप देख पा रहे हो 30x38 फुट में मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको वेस्ट देखने को मिलता है और एक नया डिज़ाइन भी मिलता है। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे पूरा आज हम स्टेप बाय स्टेप, जिसका मैंने ग्राउंड फ्लोर ही क्रिएट किया है, फ्रंट एलिवेशन बेहतरीन सा पोर्च डिज़ाइन किया है और साथ साथ इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग भी मैंने बहुत ही बेहतरीन से की है। तो पूरा डिज़ाइन आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही प्लानिंग से ये मॉडल मैंने क्रिएट किया है। तो बने स्टूडियो में लगातार मैं हूँ पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का जो प्लान है इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक बार आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो सबसे पहले जूम करके जैसे दिखाता हूँ तो आप उसका रियलिस्टिक व्यू सारा डिटेल दिखता है कि इसका क्या मॉडल्स है, इसका ग्रिल कैसा मैंने डिज़ाइन किया है, रेलिंग में मैंने क्या बनाया वगैरह। तो सबसे पहले अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। आप देखिए फ्रंट से रोड है, स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर जाएंगे। सबसे पहले दो पिलर यहाँ पर दिए हैं, लेफ्ट हैंड दो राइट हैंड, और ये पोर्च बना है ट्रायंगुलर शेप का, बहुत बेहतरीन सा पोर्च मैंने क्रिएट किया है। इसका इस पोर्च के बाद मेन डोर आपका ये है, डोर के साइड में एक विंडो है और इस साइड भी विंडो है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, और दोनों लेफ्ट और राइट साइड में ये बेडरूम है जिसमें मैंने विंडो दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, हवा वगैरह पास होती रहे। तो मेन डोर से आप जैसे एंट्री करते हैं तो आप सीधा अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे अंदर जाते हैं तो सबसे पहले इस कॉर्नर पर आपको एक बेडरूम मिलता है जिसके लिए डोर और विंडो सेपरेट दी है, बाहर से भी एक विंडो है। इसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा किचन एरिया मिल जाता है आपको, जो कि एक बेहतरीन सा ओपन है किचन है, वो बड़ा किचन है। इसके बाद इस साइड की अगर बात करें यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है जिसमें डोर और विंडो दी है, फिर उसके जस्ट पीछे एक डोर और बेडरूम मिलता है जिसमें डोर और विंडो दिया है, और सबसे पीछे की अगर बात करें तो इधर से स्टेयर्स आपकी गई है जो कि आप टर्न होकर ऐसे टर्न हो जाएंगे। उसके नीचे एक लेटन बाथ है और उसके जस्ट सामने भी एक लेटन बाथ मैंने बड़ा सा क्रिएट किया है। तो इस घर की अगर बात करें तो यहाँ पर तीन बेडरूम मिल जाते हैं आपको, तीन बेडरूम जो कि बड़े काफ़ी बड़े बड़े हैं, और साथ ही आपको मिलता है इसमें एक बड़ा सा किचन जो कि काफ़ी एरिया में मैंने क्रिएट किया। इसके बाद स्टेयर्स के नीचे एक लेटन बाथ, अगर आप इसे स्टोर रूम भी बना सकते हैं स्टेयर्स के नीचे जो लेटन बाथ मैंने बनाया है अगर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि इस साइड भी मैंने एक लेटन बाथ बनाया है तो आप स्टेयर्स के नीचे वाले को स्टेयर रूम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इधर भी एक आपको मिल जाता है ये किचन, और यहाँ पर सॉरी ये आपका लेटिन बात इधर है एक और एक स्टेयर्स के नीचे। इसके बाद दो राइट हैंड साइड में आपके बेडरूम मिलते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में और किचन, ये पूरा बड़ा सा इसमें लिविंग हॉल टाइप का बोल सकते हैं, गैलरी बोल सकते हैं। ये पूरा मॉडल क्रिएट होकर आ जाता है 30x38 में ग्राउंड फ्लोर। तो ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ रियलिस्टिक, और ये जो मैंने छत बनाया हुआ है ये पहले वाला छत है, ये लगभग आपका 7 फिट पे बना हुआ है और ये पिलर भी 7-7 फिट के हैं, इसके बाद 3 फिट और ऊपर है। अब अगर हम बात करें ये देखिएगा लास्ट फ्लोर जो मैंने क्रिएट किया है, लास्ट फ्लोर पर कुछ भी डिजाइन नहीं किया है, और यहाँ पर चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री और फ्रंट में एक बेहतरीन सा रेलिंग जो कि कॉम्बिनेशन है आपका रेक्टेगुलर और सर्कुलर जो है इसके झरोखों का, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन सिंपल से डिज़ाइन है। इसमें ना आपका ग्रिल यूज हुआ है ना रेलिंग यूज हुआ है, तो ईंटों का ही मैंने रेलिंग यहाँ क्रिएट कर दिया है जिससे आपका ज़्यादा पैसा वगैरह ना लगे। तो लो बजट प्लान है 30x38 का बेहतरीन सा प्लान है, और ये जो प्लान पूरा मैंने क्रिएट किया है इसका कॉस्ट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम है स्मॉल हाउस प्लान, और उसमें पूरा कॉस्ट बता देगा, साथ साथ मटेरियल कितना लगने वाला वो भी बता देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।